तकरीरी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी। लेकिन शुरुआत करेंगे आज के मौसम खबर की हम पांच बड़ी खबरों के साथ। तो पांच बड़ी खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं हम आज उड़ीसा पर, जहां पर इक्का दुक्का जगह भारी बरसात की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गांगे पश्चिम बंगाल के बारे में, जहां पर कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं गांगे पश्चिम बंगाल के अंदर। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में, बात करते हैं हम असम की, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में, अब रुक करते हैं अगले राज्य का, जहां पर तेलंगाना को लेकर बड़ी खबर है। गिने चुने इलाकों में ओले पड़ने का अनुमान तेलंगाना को लेकर जताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, रुक करते हैं जहां पर छिटपुट हिस्सों में बारिश के आसार जताए गए हैं। ये हुई मेरी आज की पांच बड़ी खबरें। बात करेंगे हम मौसम अलर्ट के, जिसमें हम जानते हैं कि देश के कौन कौन से राज्य हैं जिनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, किस राज्य को लेकर क्या अलर्ट है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है और कहां आपको नजर बना के रखनी है, इसमें हम जानते हैं। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से अलग अलग राज्यों को दर्शाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सावधान रहने वाले क्षेत्रों की। तो आप देख पा रहे हैं झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा, यहाँ पर आपको सावधान रहना है। यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गांगे पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी। विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी और बारिश भी हो सकती है। और बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर बनाए रखनी है। इन राज्यों में बारिश होने की संभावना है, तेज हवाएं चलेंगी। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश को लेकर भी आपको नजर बनाए रखनी है। बाकी राज्यों की बात करें तो इसको लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया। बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ ज़्यादा बारिश होगी और कहाँ कम बरसेंगे बादल। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश पे, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित कोई बरसात नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के अंदर भी कोई बरसात का अनुमान नहीं लगाया गया है। यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आने वाले 24 से 48 घंटों में कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की जा सकती है, कुछ हिस्सों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात होने का अनुमान है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात है। बिहार, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतर उत्तर कर्नाटक, भीतर दक्षिण कर्नाटक, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश है। लेकिन रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बरसात की कोई भी उम्मीद नहीं जताई गई, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर बरसात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूरी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। आने वाले 24 घंटों में यहाँ पर आपको कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी। विदर्भ में कई जगह बरसात है। छत्तीसगढ़ में अनेकों जगह बरसात आने वाले 24 से 48 घंटे देखने को मिलेगी। पूर्व राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, दमन और दीव की बात करें, कोंकण और गोवा की बात करें तो इन राज्यों के अंदर आने वाले 24 घंटों में कोई बरसात नहीं है। अब बात करेंगे मौसम की चाल की, 24 घंटे में कहाँ बारिश दर्ज की गई है, तो आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ पर बारिश हुई है। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली हैं और बारिश भी दर्ज की गई है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की ओर रुख करेंगे तो तेलंगाना पे आप देख पा रहे हैं, भीतरी उत्तर कर्नाटक, इन दो राज्यों के अंदर आपको पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। कुछ हिस्सों में तेज हवाएं भी चली हैं और कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं पूरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हुई है, हल्की फुल्की बारिश हुई है और कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली हैं। छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और बारिश हुई है। पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है और आप देख पा रहे थे कि ओलावृष्टि हुई है। तो ये था मौसम अलर्ट का लेकर। अब मौसम खबर में तमाम जानकारियां और भी हैं जो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहां रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। चेक, जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के, एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है, कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या?
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के सिलसिले में हम बात करेंगे देश के तमाम राज्यों के अंदर तापमान का हाल क्या रहा, कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर अधिकतम तापमान का हाल कैसा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के देश का तापमान का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर इस प्रकार से रहा है। बात करें भीतरी उत्तर कर्नाटक और तेलंगाना की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के, इन राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही बात करते हैं पूर्व राजस्थान में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जो कि सीकर में दर्ज किया गया 9.5 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। बात करेंगे अधिकतम तापमान की, तो आप देख पा रहे हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान की ओर, अब बात करेंगे असम और मेघालय के। आप देख पा रहे हैं असम और मेघालय के अंदर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, जहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं हम दक्षिण भारत के रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख पा रहे हैं रायलसीमा के अनंतपुर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है 41.7 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों के अंदर अधिकतर और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए नज़र डालते हैं। मौसम खबर में तमाम जानकारियां और भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक लिए। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे देश के तमाम राज्यों के वायु गुणवत्ता के बारे में, किस राज्यों में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है, या इसके बारे में हम यहां पर जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। सबसे पहले नज़र डालेंगे राजधानी दिल्ली पर। गुणवत्ता सूचकांक 257 दर्ज किया गया, यानी राजधानी दिल्ली की हवा थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करें लखनऊ की, यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 168 दर्ज किया गया, यानी लखनऊ की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 213 दर्ज किया गया, यानी पटना की हवा थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना के बाद नजर डालते हैं बेंगलुरु पर। गुणवत्ता सूचकांक 105 दर्ज किया गया, यानी बेंगलुरु की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं पुणे की, गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया है, यानी पुणे की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 99 दर्ज की गई, यानी हैदराबाद की जो हवा रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद के बाद नजर डालते हैं कोलकाता पर। गुणवत्ता सूचकांक 258 दर्ज किया गया, यानी कोलकाता की हवा भी थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात मुंबई की करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 228 दर्ज किया गया, यानी मुंबई की जो हवा रही वो भी थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। नज़र डालते हैं अहमदाबाद पर। 153 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, यानी अहमदाबाद की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से शुरुआत करेंगे। मंगलवार बुधवार आप देख पा रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार को हल्की बारिश देखने को मिलेगी और शुक्रवार को कुछ हिस्सों में आपको ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गुलमर्ग में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के मसूरी की बात करते हैं। मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों ही दिन आपको तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर मसूरी में रह सकता है। साथ ही साथ तेज धूप खिलने के आसार भी मसूरी में आने वाले 4 दिनों को लेकर जताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के। मंगलवार और बुधवार हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार और शुक्रवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर वाराणसी में आपको देखने को मिल सकता है। तो वाराणसी घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के मौसम और तापमान के लिए आप तैयार रह सकते हैं। बिहार के गया की बात करते हैं। मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। बुधवार को बारिश की आशंका है और गुरुवार को मौसम बदलेगा, फिर से बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें अगर गया की तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर गया में जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के असम की सिलचर की बात करेंगे। मंगलवार को बारिश का अनुमान है। बुधवार गुरुवार शुक्रवार बाकी के 3 दिन आप देख पा रहे हैं कि बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में असम के सिलचर में आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मंगलवार को बारिश के भी अनुमान जताए गए हैं। सिक्किम के गंगटोक की बात करें अगर तो मंगलवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। बाकी के 3 दिन बुधवार गुरुवार शुक्रवार बारिश होने की आशंका है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान गंगटोक में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर गंगटोक के अंदर बना रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के निजामाबाद की बात करेंगे। मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों ही दिन आपको बारिश की आशंका यहां पर जताई गई है। आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान निजामाबाद में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में निजामाबाद के अंदर जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तमिलनाडु के ऊटी की। मंगलवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार है, लेकिन बाकी के 3 दिन बुधवार गुरुवार शुक्रवार बारिश होने की अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों के अंदर ऊटी में देखने को मिल सकता है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान ऊटी के अंदर आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो तमिलनाडु के ऊटी में अगर आप घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो बारिश के लिए भी तैयार रह सकते हैं।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद नजर डालते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन तेज धूप खिलने के आसार आप देख पा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले चार दिनों के अंदर औरंगाबाद के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ तेज धूप का कहर भी आपको देखने को औरंगाबाद में आने वाले चार दिनों में मिलेगा। बात करेंगे गुजरात के अहमदाबाद की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार यहां पर भी चारों दिन आपको तेज धूप खिलने के आसार दिखा दे रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान अहमदाबाद में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले चार दिनों के अंदर अहमदाबाद में जा सकता है। साथ ही साथ अहमदाबाद के अंदर तेज धूप खिलने के भी आसार जताए गए हैं। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। तो इस समय मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को अपनी फसलों की देखभाल करना अति आवश्यक है। और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अपनी फसलों की अगर आप देखभाल करते हैं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ ही साथ आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आप देखते हैं कि कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में मसूर के खेत में सिंचाई करें, यहाँ गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें, किसान मटर की बुवाई करते रहें। इसके अलावा टमाटर की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल में बैंगन की बुवाई कर सकते हैं, अभी लाल मिर्च की बुवाई के लिए समय उचित है। वहीं किसान फूल गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई करें, इसके साथ ही शिमला मिर्च की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल प्रदेश में खीरे की बुवाई कर सकते हैं, इस समय गाजर और मूली की बुवाई करते रहें। उत्तराखंड में बैंगन की बुवाई कर लें, किसान शलगम की बुवाई भी कर सकते हैं। अभी टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। साथ ही गन्ने की बुवाई कर लें, यहाँ किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में आलू की खुदाई कर लें, इस समय जौ के खेत में गुड़ाई और निराई करें। इसके साथ ही मसूर के खेत में भी गुड़ाई और निराई कर सकते हैं। वहीं किसान प्याज के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। उत्तराखंड में भिंडी की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। तो हिमाचल और उत्तराखंड के किसान भाई कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अपनी फसलों की देखभाल तो करें, लेकिन साथ ही देश के बाकी किसान भाई भी कृषि विशेषज्ञ की सलाह से अपनी फसलों की देखभाल करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम आज की फसल की। मक्के की फसल एक ऐसी फसल है जो तेजी से प्रसिद्ध होती जा रही है। मक्के की ही एक प्रारूप है जिसे हम कहते हैं बेबी कॉर्न, जिसकी मांग आम बाजारों में भी बढ़ रही है और किसान भी इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बेबी कॉर्न की फसल लगा के कई तरह के मुनाफे कमाए जा सकते हैं। किस तरीके से बेबी कॉर्न की खेती करनी है, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हो। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में एक हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में एक हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए एक हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। एक हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है।
एक हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। तो अगर आप बेबी कॉर्न की फसल को लगाना चाहते हैं तो रिपोर्ट में बताई गई तमाम विशेष जानकारियों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो अच्छी पैदावार ले पाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बेबी कॉर्न फसल की मांग आज मार्केट में ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे कि किसानों को अच्छा मुनाफा भी हो सकता है और साथ ही इसकी फसल से पैदा होने वाला जो चारा है वो भी आपके पशुपालन में काफ़ी फायदेमंद हो सकता है और काम में आ सकता है। तो एक फसल से आप कई लाभ ले सकते हैं। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से उम्मीद है कि आपको लाभ हो रहा होगा। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठ पर देख पाएंगे। आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही। भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। चल पड़े हैं हम सबके कदम बदलने, भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम आज। चल सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सब के कदम बदलने, भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो, 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 बनेगा देश महान। सब अपने यहाँ पे कोई बेगाना नहीं, हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई ठगराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी आरी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर। सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जब बात देश की आन बान और शान की हो तब फौजी किसी की नहीं सुनता। बात खत्म। मोहन ने अपनी काबिलियत पर फौज की वर्दी हासिल की है और तुम देखना बहुत जल्द मेरा छोटा बेटा जय भी फौज में भर्ती होगा। क्या नाम है तेरा? जय धर्मराज पांडे। मुंबई आ, मैं तुझे अपनी अगली फिल्म में हीरो का चांस दूंगा। गलत फहमी में जी रहे तुझे, अपने लिए तो हर कोई जीता है।
लेकिन ऐसे देश के लिए जीना ये मौका सिर्फ चंद खुशनसीब लोगों को ही मिलता है। हर एक झूठ की एक कीमत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस झूठ की कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ जाए। तू मुंबई नहीं फौज में जाएगा। तुम फैसला कर लिया है। सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 197 नंबर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, D2H पर 175 नंबर, हैथवे पर 040 नंबर, डेन पर 138 नंबर, डिश टीवी पर 193 नंबर और डीडी फ्री डिश पर 002 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। मेघालय से अलग अलग किसानों की तस्वीर इस नदी के सहारे उस पार तक चलते हैं। उन लोग नदी के सहारे किसानों की तस्वीर बुनने, एक ऐसी नदी जो भारत से निकलते हुए बांग्लादेश तक पहुंच रही है। किसान यात्रा देखिए मेरे साथ। मेघालय से देखिए किसान यात्रा पर कार्यक्रम 19 मार्च मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे। रंग बिरंगे रंगों की बहार का ये उत्सव है होली के त्योहार का। जब बिखरेंगे फूलों के रंग, सुर्ख लाल रंग से जगेगी नई उमंग। प्राकृतिक रंगों की खुशबू से महकेंगी फिजाएं, किसानों को होली की शुभकामनाएं। देखिए दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर होली स्पेशल सोमवार 25 मार्च सुबह 8 बजे, पुनः प्रसारण शाम 5 बजे।
भी किसान बदलते भारत।